हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब सडनली प्लान बन चुका है हमारा जिम कॉर्बेट जाने का। तो भाई जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, फिर चलते हैं सीधा जिम कॉर्बेट। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की लोकेशन और नज़ारे कितने प्यारे प्यारे हैं। ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, बस लोकेशन और नज़ारे दिखाऊँगा और मैंने क्या क्या फ़न करा वो भी दिखाएंगे आपको और क्या क्या शूट करा। तो चलते हैं भाई सीधा गाड़ी की तरफ। बाय बाय। अच्छा अब चलेगा एक लड़के पे। तो गाइस आ गए हैं सीधे रिसोर्ट पे। तो रिसोर्ट में दिखा दूँ आपको हमने कैसा बुक करा है। रिसोर्ट बहुत ही प्यारा रिसोर्ट है भाई, और यहाँ की लोकेशन उससे भी ज़्यादा प्यारी भाई। तुम्हारे भाई की हालत हो गई है ख़राब, लेकिन जब भी तुम्हारा भाई ब्लॉगिंग कर रहा है मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ भाई। क्या प्यारा नज़ारा है, क्या नज़ारा है भाई, देख लो भाई, देख रहे हो भाई। और रूम दिखाता हूँ मैं, रूम कैसा है हमारा। ओके, अगर किसी को भी यहाँ पे आना है, अगर रूम लेना है तो ये वाला ज़रूर ले। मैं लिंक डाल दूँ इस रिज़ोर्ट का क्या नाम है, और आओ और मजे लो। नीले नीले अंबर में भाई वही वाला फील आ रहा है तुम्हारे भाई को यहाँ पे। तुम्हारा भाई इस रोड पे अकेला, सुबह भी 2 बजे तकड़ी निकली, 8 बजे भी भाई पूछो मत, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ भाई शांति है, पीस है भाई एक तरीके का। तो भाई देखो ये वाला अपना रिजोर्ट है जिसमें हम रुके हुए हैं, नानू रिजोर्ट, एंड बहुत खूबसूरत है यहाँ के नज़ारे देखो। एंड भाई कसम से यार, देखो जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ एक भी बंदा नहीं निकला यहाँ से। नितिन भाई आते हुए, इस रोड पे सिर्फ तुम ही चल रहे हो पूरे रोड पे यहाँ से वहां तक। ये देख रहे हो पत्ते कितने बड़े बड़े, कमेंट करके बताओ ये कौन सा पौधा है। भाई बहुत तेज लग रही है भूख, तो हम जा रहे हैं अभी चाय पीने, ब्रेकफास्ट करने। तो भाई नितिन भाई निकाल रहे हैं थोड़ा सामान, चलते हैं भाई सीधा ब्रेकफास्ट करने। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद, दिखाते हैं हमने क्या खाया, क्या चाय पी। ओके बाय। हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। भाई इडली सांभर, ये तो भाई चिलोड़े उठे खाने वाले बनते हैं, और हम इडली सांभर। मजे मजे
बहुत ज़्यादा खा लिया, पचा लिया जाए थोड़ा घूम घाम के। इडली पिडली पता नहीं क्या क्या, ब्रेड टोस्ट पता नहीं, फ्रूट्स वगैरह, मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल गार्डन 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 हो रहा भाई। लेकिन धूप भी बहुत तगड़ी निकली पड़ी है पीछे आज। लाइट तो बहुत बड़ा फील है लाइट का, पहाड़ों में तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है वही बहुत है। नहीं लाइट भी मिलनी चाहिए, लाइट भी मिलनी चाहिए। इन्वर्टर चला रखा लेकिन एसी नहीं चलते ना उसकी, रूम में भी लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आती रूम में। लेकिन भाई रिजोर्ट जो है बहुत प्यारा रिजोर्ट है, बढ़िया मोटा सा ना। बोलो ना, ओनर तो है, ओनर है। जितना जितना बड़ा उसका पेट है उससे बड़ा उसका दिल है भाई, ओनर का, जिसका ये रिजोर्ट है। खूब खिलाता है पैसों में लेके पैसे लेके खिलाता है भाई। पर 5-6 हज़ार रुपये पर बंदा, सॉरी 5,600 रुपये पर बंदा एक दिन के लिए चार्ज है इसका। आइए और लुत्फ़ उठाइए। खाना बहुत बढ़िया लेकिन यहाँ का भाई, भाई थोड़ा सा घूमते हैं पैदल पैदल, फिर चलते हैं और कुछ करने। तितलियाँ देख रहे हो भाई, तितलियाँ तितली की तरह उड़ रही है, और तुम्हारा भाई शेर की तरह चल रहा है जिम कॉर्बेट में। शेर भी जा रहे हैं अमेरिका में, थोड़ी है तो जाएंगे। कौन है ये लोग, कैसा लग रहा है? काले आ रहे नहीं, काले तो नहीं आ रहे। हाँ गोरा हूँ तो कैसा हूँ काला, मतलब तेरी बना दूँ। चल पहली बार ही आया है मेरे साथ आज ट्रिप पे, मौज लेने खोज लेने। मंदिर पे चलो ऊपर भाई, मंदिर पे चल ले आ जाओ, पहाड़ पे मंदिर देखते हैं, देखते हैं क्या मंदिर है भाई। ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा हमें ऊपर जाने के लिए, आ जाओ भाई। एडवेंचर है तो भाई एडवेंचर पे चलेंगे। पानी निकलता हुआ देखो भाई, कहाँ प्यारा सा मंदिर है भाई। बानर बहुत है यहाँ पे, बानर बंदर वहाँ पे हम हैं अभी उस वाले रिजोर्ट में, वो रूम भी दिख रहा हमारे वहाँ से। जय श्री राम। ऊंचा तो है काफ़ी भाई, आने में दिक्कत हो गई बहुत। क्या है ये टंकी? पहाड़ों पर टंकी, पहाड़ों पर टंकी, और यहाँ है बहुत मंकी, ध्यान देना बंदर बहुत हैं यहाँ। जय श्री राम। आगे मंदिर के पास This is a beautiful temple. बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। क्या ग्रीन ग्रीन है देख रहे हो भाई, ग्रीन ग्रीन पहाड़, ग्रीन ग्रीन वेदर, और तुम्हारा भाई सीमा कैदर बन जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? आएगा यहाँ से कश्मीर चले जाऊँगा पीछे, मजाक था, पाकिस्तान में गई थी, पाकिस्तान की है, कुछ ही बोल रहा हूँ भाई मैं तो। एडवेंचर करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, अगर एडवेंचर नहीं करोगे तो बूढ़े होगे, जिस दिन मरोगे उस दिन अफसोस करोगे। घूमने पसीने में हो गए लेकिन तुम्हारा भाई जिंदगी में मजे सिखा रहा है। मुझे ना भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, पसीने तो आते जाते रहते हैं, पसीने तो आते जाते रहते हैं लेकिन ये नज़ारे कभी कभी आते हैं। मज़ा आया महीने दो महीने में एक बार। देखो भाई, तो भाई पसीना पसीना हो गए हैं मैं और दीपांशु, अब जा रहे हैं नीचे
तुम्हारे भाई नीचे चलते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके थे हम। होटल वाले ने तेल नहीं दिया बाल में लगाने को। साले होटल वाले ने तेल नहीं दिया बाल में लगाने को। सारे इतनी सारी चीज़ तो दी उन्होंने सुविधा, कोई बात नहीं। तो चलते हैं भाई नीचे, अब बहुत ज़्यादा ऊपर अभी हम। पेड़ देख रहे हो कितने लंबे लंबे पेड़ है भाई। चलो तो नीचे चलते हैं भाई, अब रूम की तरफ अपने, जहाँ पर हमने रिजोर्ट लिया है। स्मार्ट लग रहा तुम्हारा भाई। तो चलते हैं भाई अब सीधा रूम पे। बहुत दूर से पैदल चल रहे हैं ना, दूर दूर तक दुकान नहीं है, दूर दूर तक दुकान नहीं है जो भी रिजोर्ट के अंदर ही है। और काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे मनाली मसूरी हुआ, वहाँ पर ट्रैफिक का शोर पौ पी, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ तक अभी ज़्यादा लोग आते भी नहीं है। और बढ़िया है, अपना आपने देख लिया होगा जब से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जब से कोई भी बंदा नहीं गया है निकल के, ना बाइक ना गाड़ी ना ट्रक ना गुड़ 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 कुछ भी भाई। अपना बढ़िया करके चलते हैं, हम नीचे मंदिर से तो ऊपर से आ गए हैं। और बहुत फन किया, शूट करा, बहुत अच्छी अच्छी क्लिप आएगी, जल्दी देखने के लिए मिलेगी भाई। पैर में क्या हो गया लगता है, इसको सांप ने काट लिया है। अच्छा पेड़ में जो रहते हो लग गए, ऊपर चढ़े थे ना पहाड़ों पे। भाई को देखो क्या फूल मिला है, इस फूल को उसे दूंगा जिसने मुझे फूल बनाया है, समझ जाओ भाई किसकी बात कर रहा हूँ मैं। फूल बनाने वाले को भी फूल दोगे? हाँ, ब्लेडी फूल नहीं, ये खूबसूरत फूल की बेइज्जती हो जाएगी भाई उसे दूंगा तो। उसे तो पता क्या दूंगा उसे? कोबरा सांप। इसमें से कोबरा सांप निकल जाएगा ये कोबरा सांप दूसरा ना समझ ले। लेकिन सांप भी होंगे यहाँ पे काफी। बहुत देख क्या भाई, क्या फूल लग रहा है ना, मजेदार। तितली उड़ रही है भाई, ची 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 आवाजें आ रही है। बहुत प्यारा वेदर है, गर्मी उससे भी ज्यादा है यहाँ पे है भाई। गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत लगी है, मुझे तो लगता था ठंडी लगती होगी पहाड़ों पर, लेकिन गर्मी है भाई। मिल गई है, देखिए कैसी फुटबॉल, तगड़ी फुटबॉल है, यहाँ बीच में रखते हैं भाई। स्टैंड तो मेरे कौन सी साइड है, चल देख उधर जाता हूँ, जिसमें ये हैंडल्स है इधर, और ये मेरी साइड की है, ठीक है, उसकी मुझे हैंडल है उसकी साइड की। चार प्लेयरों का गेम है? नहीं, दो प्लेयरों का गेम है ये ऐसे, ठीक है, हैंडल वाले। तो स्टार्ट स्टार्ट कर। ए ए